Good morning everyone. It is the second video for your chapter 13 of physics, that is electricity and circuits. Today we will be studying about electric current, electric circuits, conductors and insulators. So the first topic that we will be coming across is electric current. सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू थिंक दैट द बल्ब ग्लोज व्हेन वायर्स आर कनेक्टेड. जब भी वायर्स को कनेक्ट करते हैं तो बल्ब क्यों जलता है, क्या उसमें प्रेजेंट है कि वो बल्ब को ग्लो करवाता है. तो सिंपल, देयर मस्ट बी समथिंग फ्लोइंग इन द वायर्स. कुछ ऐसा चीज वायर के अंदर होगा. तो वायर के अंदर क्या प्रेजेंट है ये हम लोग जानेंगे, क्योंकि जब भी बल्ब से, अगर बल्ब, वायर, सेल, ये सब को जब कनेक्ट करते हैं तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है. तो वायर में ऐसा क्या प्रेजेंट रहता है कि वो बल्ब को ग्लो करवा देता है. कुछ तो ऐसा फ्लो करता होगा जो बल्ब को जलवाता होगा. तो यहाँ पर जो कुछ है, जो समथिंग दैट फ्लोज, तो यहाँ पर जो समथिंग है इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है. इट हैज सम एनर्जी. ठीक है, अब वो एनर्जी क्या एनर्जी है, तो अदरवाइज अगर ये एनर्जी नहीं रहता तो इट कैन नॉट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. अगर ये एनर्जी नहीं रहता वायर के अंदर तो कभी भी बल्ब जो है वो हीट एंड लाइट एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता. ठीक है, उसके पास एनर्जी है तभी वो हीट और लाइट एनर्जी दोनों प्रोड्यूस कर पा रहा है. तो वी कॉल दिस समथिंग, ये जो समथिंग है, ये जो एनर्जी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. वी कॉल इट इलेक्ट्रिक करंट. इस समथिंग को, इस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जिसके कारण बल्ब ग्लो करता है और फाइनली बल्ब हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. नाउ इट गेट्स कन्वर्टेड इंटू लाइट एंड हीट एनर्जी वेन द करेंट फ्लोज थ्रू इलेक्ट्रिक बल्ब. अभी बोले जब भी इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो करता है तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है, हीट और लाइट एनर्जी में. द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज फ्रॉम द एंड ऑफ द सेल मार्क्ड. जो हमारा इलेक्ट्रिक करेंट है वो किस टर्मिनल से किस टर्मिनल जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करेंट जो है वो हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल वो मूव करता है. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ हमारा करंट जो है वो मूव करता है. सपोज ये हमारा सर्किट है, सो ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है. तो हमारा करंट किधर से फ्लो करेगा, करंट इधर से फ्लो करना स्टार्ट होगा एंड फाइनली वो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा, जैसे ही ये स्विच को ऑन करेंगे तो जैसे देख सकते हैं इस बैटरी में ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है. तो करंट हमेशा इधर से रिलीज होगा, इधर से बाहर निकलेगा और ऐसे घूमकर इसमें अंदर आ जाएगा. तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा करंट फ्लो करता है हमेशा. नाउ लेट अस लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट. अब इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या है, व्हेन यू कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द सेल टू अ बल्ब यूजिंग अ कॉपर वायर. जब भी बल्ब से सेल को कनेक्ट किए और ये वायर कैसा होगा, मेनली हम लोग कॉपर वायर ही यूज करते हैं, कॉपर वायर होगा. तब क्या होता है, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे ये बल्ब ऑटोमेटिक क्या होगा, ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड अ पाथ दैट इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो अब ये जो हम वायर लगाए इससे हम क्या बना दिए, एक पाथ बना दिए, एक रोड बना दिए, जिसके कारण जो करंट है वो यहाँ से निकला और वो घूमकर कहाँ गया, बल्ब पर गया और बल्ब को ग्लो कर वो फाइनली फिर नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर गया.
सच्चा पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज सर्किट, और इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। इट इज सेड टू बी कंप्लीट और क्लोज्ड। अब कब बोलेंगे कि ये क्लोज सर्किट है? अब दो टर्म आता है, ठीक है, वो दो टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज क्लोज्ड सर्किट और कंप्लीट सर्किट, और सेकेंड टर्म है मेरा ओपन सर्किट और ब्रोकन सर्किट, ठीक है, ये दो टर्म है। अब किस वक्त हम सर्किट को ओपन बोलेंगे या किस वक्त सर्किट को हम क्लोज बोलेंगे? तो जब भी, ये याद रखिएगा, ये जो फिगर अभी ड्रॉ करेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सपोज ऐसे है, ठीक है। इसमें यहाँ पर स्विच देख सकते हैं, ये मेरा ऑन है। जब भी स्विच ऑन कंडीशन में होगा, मेरा स्विच ऑन होगा, उस समय ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करना स्टार्ट होगा। जैसे ही ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट होगा, इसको हम क्या बोल देंगे, क्लोज सर्किट बोलेंगे, क्लोज सर्किट या फिर कंप्लीट सर्किट बोलेंगे। और सेकेंड जो फिगर मेरा बनेगा, जिसमें ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट या फिर ब्रोकन सर्किट। सो ब्रोकन सर्किट क्या होता है, डज द बल्ब ग्लो इफ यू डिसकनेक्ट वन ऑफ द वायर फ्रॉम द सेल और ब्रेक वन ऑफ द वायर। जब भी हम ये वायर को तोड़ देते हैं या ब्रेक कर देते हैं, मीन स्विच को ऑन ऑफ कर देते हैं, इस कंडीशन में स्विच क्या है मेरा, स्विच ऑफ है। अब जैसे ही स्विच मेरा ऑफ है, स्विच यहाँ ऑन था, बल्ब ग्लो किया, स्विच ऑफ था, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जैसे ही बल्ब, जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पर जो पाथ है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक ब्रेक हो जाएगा पाथ में, बिकॉज द पाथ ऑफ द करेंट इज नाउ एब्स्ट्रक्टेड एंड इट कैन नो लॉन्गर फ्लो थ्रू द वायर। मीन्स जो करंट है अब वो यहाँ से ट्रांसफर तो करेगा, लेकिन यहाँ आकर इस वायर में नहीं आ पाएगा, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं कर पाएगा एंड फाइनली ये बल्ब नहीं ग्लो कर पाएगा। जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जब स्विच ऑफ कंडीशन होगा, तो उस कंडीशन में हम सर्किट को क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट या फिर ब्रोकन सर्किट। जब करंट फ्लो करने लगेगा, जैसे ही स्विच को ऑन किए, देखे करंट फ्लो करने लगा, तो फाइनली बल्ब ग्लो करने लगा। जैसे ही बल्ब ग्लो किया, उस हम सर्किट को क्या बोलेंगे, आइदर क्लोज सर्किट आइदर कंप्लीट सर्किट। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स एंड देयर सिम्बल। अब ये जो सर्किट बना, इसमें कुछ हम लोग जो एलिमेंट्स यूज किए, उसका सिम्बल्स हम लोग जानेंगे कैसे होगा। तो फर्स्ट इज सेल, सेल सिंपल ऐसे होगा, ये प्लस ये माइनस, ये सेल का सिंबल है। बैटरी, जब बहुत सारे सीरीज में आ जाए, इसे हम क्या बोलेंगे, बैटरी। थर्ड इज बल्ब, ऐसे ये सिंबल है बल्ब का, और इसको लैंप भी बोल सकते हैं, लैंप। देन इट इज स्विच, ये मेरा स्विच हो गया। फिर और बोल सकते हैं वायर, सिंपल। दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड दीज आर द सिम्बल्स। देखो इसी चीज को लेकर हम लोग ये पूरा सर्किट को बनाया है। सेल यूज हुआ है, अगर
एक से ज़्यादा ले लेते तो वो बैटरी बन जाता, बल्ब यूज़ हुआ है, स्विच यूज़ हुआ है और वायर यूज़ हुआ है। तो ये सारे जो है ये कंपोनेंट्स है किसके, इलेक्ट्रिक सर्किट के। नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन अराइजेज, दैट इज व्हेन यू वांट टू पुट ऑफ अ लाइट और अ फैन, व्हाट डू यू डू? जब भी लाइट को ऑफ करना है हो या फिर फैन को ऑफ करना हो, तब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जाकर स्विच को ऑफ करते हैं, जो हमारा स्विच है उसको हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देते हैं। द स्विच दैट वी यूज फॉर दिस पर्पस वर्क फॉर ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब स्विच ऑफ किए तो उससे क्या हो गया, जो हमारा ये जो पाथ था वो अब करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। अब जैसे ही करंट फ्लो नहीं करेगा, ये बल्ब ऑटोमेटिक क्या होगा, ग्लो करना बंद हो जाएगा, वो ओपन सर्किट हो जाएगा। नाउ द स्विच इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बिना स्विच के हम लोग बल्ब तो ग्लो कर सकते हैं, उसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, बट वो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। नाउ इट इज ऑल इट इट इज प्रेजेंट इन ऑल सर्किट। देखेंगे जितने भी सर्किट होते हैं, आइदर होम अप्लायंसेस हो गए, टॉर्च हो गया, या कोई भी सर्किट हो गया, उसमें ये स्विच बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये मान लीजिए, अगर बल्ब एक सिंपल एक टॉर्च बनाए, उसमें स्विच ही नहीं दिए, तो उस टॉर्च को ऑन कैसे करेंगे एंड ऑफ कैसे करेंगे? तो उसके लिए तो हमको स्विच देना ज़रूरी है। तो इस चलते स्विच जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, पार्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट का। ना कंपोनेंट्स, अब कौन कौन कंपोनेंट्स, अभी हम सिंबल देखे थे, बल्ब्स, सॉरी बल्ब्स, वायर्स, सेल्स एंड स्विचेस, ये चार हम लोग देखे थे कंपोनेंट्स। अब येलो को क्या बोलते हैं, ये चारों जो कॉम्पोनेंट्स है ये लोग हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सर्किट, दीज आर द एलिमेंट ऑफ अ सर्किट। ड्रॉइंग पिक्चर ऑफ दीज एलिमेंट्स वाइल ड्रॉइंग अ सर्किट इज वेरी कम्बसम। अब मान लो कोई, जब हम ये पर्टिकुलर पाथ बना रहे हैं, तो इसमें तो यहाँ पर बल्ब का फिगर नहीं बना सकते हैं, सेल का फिगर नहीं बना सकते हैं, स्विच का फिगर नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ओरिजिनल वायर नहीं हम वहाँ पर पेंट कर कर दिखा सकते हैं। तो इसलिए ड्राइंग को इजी करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। ये जो सिंबल्स है ये हम लोग यूज़ करते हैं। सो सिंबल्स ऑफ द कॉमन एलिमेंट एंड इलेक्ट्रिक करेंट ड्राइंग यूजिंग दी सिंबल। जब हम लोग ये सिंबल को ड्रॉ करते हैं तो इसी से हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट का इजी वे में हम लोग ड्राइंग उसको बना सकते हैं, स्केच कर सकते हैं। नाउ वी प्रोबेबली नो दैट अ बल्ब, अ फ्यूज बल्ब डू नॉट ग्लो इवन वेन कनेक्टेड इन अ ओपन क्लोज सर्किट। एक और चीज़ इसमें आता, अभी तक तो हम लोग पढ़े क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, अब जब बल्ब ही फ्यूज हो जाए तब क्या करेंगे? जो बल्ब होगा उसका फिलामेंट ही टूट जाए तब क्या करेंगे? लाइक प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो बल्ब देखे थे, तो सपोज यहाँ पर क्या था, दो ऐसे उसके ये एलिमेंट्स थे जो इसको कनेक्ट करके रखते थे, हैंग कर, और यहाँ पर एक थिन वायर था बल्ब में। तो अब ये बल्ब का जो फिलामेंट है यही टूट जाए, मीन्स अब ये ऐसे हो जाए, अब ये टूट कर गिर जाए, तब अब क्या करेंगे? उस समय क्लोज स्विच हो या फिर ओपन स्विच हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह बल्ब कभी ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज करंट को पास करने के लिए इस फिलामेंट से भी पास करना ज़रूरी है। तो अगर फिलामेंट कनेक्टेड रहा तो करंट पास करेगा, अगर ये नहीं कनेक्टेड रहा तो यहाँ पर एनर्जी फ्लो होने लगेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उस समय हम बल्ब को क्या बोलते हैं, फ्यूज बल्ब बोलते हैं। That's all for today. Rest of the topic we will be covering in the next video. Thank you.